This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम, बिजनेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महनूर अली। नाज़रीन, आपको मालूम है कि बिजनेस लंच में हम ऐसे टॉपिक और ऐसे सब्जेक्ट लेके आते हैं जिसमें ना सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन हो बल्कि अवेयरनेस भी हासिल हो, और आज का टॉपिक भी कुछ इसी तरह है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में कि हमने टॉपिक रखा है सेविंग ह्यूमैनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट। जब हम बात करते हैं इंसानियत की, जब हम बात करते हैं इंसानियत को बचाने की, उसकी बका की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार जो इदारे हैं या NGOs हैं उनके नाम हमारे जहन में आते हैं, लेकिन ना आज हम किसी NGO की बात कर रहे हैं ना ही किसी ऐसे इदारे की बात कर रहे हैं जिसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं इंडस हॉस्पिटल की। हमारे जो गेस्ट हैं उनकी तारुफ मैं आपसे करवा दूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, CEO हैं द इंडस हॉस्पिटल। इनसे मिलते हैं और जानते हैं मज़ीद इसके बारे में कि इंडस हॉस्पिटल कौन कौन सी जो सहूलियात हैं वो हम लोगों को फराहम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आप मेरे प्रोग्राम में एक बार फिर से तशरीफ़ लाएँ। हमने पहले भी आज से एक साल पहले इस बारे में प्रोग्राम भी किया था, और ख़ासतौर से हम चाहते यही हैं कि लोगों को अवेयरनेस दें। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तमाम सहूलतें होते हुए उनसे महरूम हैं, जबकि जब हम इंडस हॉस्पिटल की बात करते हैं तो ये इन तमाम चीज़ों से मालामाल है कि जो आपको बेसिक आपके राइट्स हैं हेल्थ के हवाले से वो सब फराहम कर रहा है। मैं चाहूँगी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर इसके बारे में दें, लेकिन थोड़ा सा अब्दुल बारी खान साहब, खुद आप क्या हैं, क्या कर रहे हैं CEO होने के हवाले से इंडस हॉस्पिटल में, ये बताइएगा लोगों को। जी, मैं डॉ मेडिकल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन एज अ कार्डियक सर्जन किया। इस वक्त मैं जो है ना डॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ कार्डियक सर्जरी भी हूँ और इंडस हॉस्पिटल का CEO भी हूँ। इंडस हॉस्पिटल कुरंगी क्रॉसिंग में के ऊपर वाक़ है। अभी इस वक्त तकरीबन 150 बेड का हॉस्पिटल है, जहाँ पर क्वालिटी केयर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई कैश काउंटर ही नहीं है। और जब फ्री ऑफ कॉस्ट की बात आती है तो उससे पता चलता है कि बिल्कुल फ्री, मुफ्त इलाज फराहम किया जाता है। मतलब वहाँ कोई कैश काउंटर ही नहीं है, मतलब लोग कहते होंगे लेकिन यहाँ कोई कैश काउंटर ही नहीं है। कोई अगर देना भी चाहे तो वो कैश काउंटर नहीं है, अगर कोई करना भी चाहे तो वहाँ डोनेशन बॉक्सेस हैं, उसमें डाल दे, वो चाहे 1 रुपये डाले, 100 रुपये डाले। अच्छा, एक और सरप्राइजिंगली जो बात जो मैं पढ़ रही थी और मैं चाहती हूँ लोगों को पता चले, एक तो कैश काउंटर नहीं है, दूसरे वहाँ कोई पेपरलेस हॉस्पिटल है। ये सॉफ्टवेयर हमने जो शुरू से ही जो मेडिकल रिकॉर्ड का जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, वो सबने इन हाउस डेवलप किया था। जो पहली हायरिंग हुई थी वो जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की हुई थी, ओके, ताकि वो ये काम कर सके। जी बिल्कुल। अब थोड़ा सा बताइए कि क्या सोच के बनाया गया ये हॉस्पिटल और क्या इसका मकसद है। पाकिस्तान में आप समझ लें कि 30% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, और जो हेल्थ स्टेटस है आपको पता है, हम सब जानते हैं, उसमें बहुत दफ़ा बातचीत हो चुकी है। लेकिन यह है कि हम लोग सिविल हॉस्पिटल में रहते हुए जब देखते थे मरीजों को, और ऐसी ऐसी स्टोरीज होती थी, कोई अपना घर बेच के आया, कोई अपनी भैंस बेच के आया, कोई बकरा बेच के आया, और कुछ ऐसे भी थे जो ये भी कहते थे कि बस ठीक है, आप डॉक्टर साहब इसको मर जाने दें। इस किस्म की भी, तो इस किस्म के हालात, ऐसी भी हालात में कोई भी मेरे ख्याल में जिसके अंदर थोड़ी सी भैंस मौजूद हो तो ये नहीं सोच सकता था। तो हमने फिर यही सोचा था कि इंशाल्लाह कभी एक हॉस्पिटल बनाएं, क्योंकि ये हम एज ए स्टूडेंट लाइफ से ही हम लोग काम करते आ रहे हैं। पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाई, ब्लड बैंक बनाया, फिर कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, और सिविल हॉस्पिटल की कैजुअलिटी को रीबिल्ड किया, फिर इंडस हॉस्पिटल 2007 में इंडस हॉस्पिटल शुरू हुआ, जहाँ पर तकरीबन तमाम स्पेशलिटीज मौजूद हैं, एक्सेप्ट इस वक्त एडल्ट ऑन्कोलॉजी और जो है ना न्यूरो साइंसेज नहीं है, उसके अलावा हर चीज़ मौजूद है। लेकिन 150 बेड 2 करोड़ की आबादी में, ये माइक्रो ड्रॉप है ओशन में। तो हमने फॉर्चुनेटली हमारे पास ज़मीन तकरीबन 20 एकड़ थी है, मतलब, और इसलिए हमने मास्टर प्लान बना लिया है, हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले 10 साल के अंदर 2024 तक ये एक 1800 बेड का होगा। अभी फेज़ वन में इसको जो के तकरीबन 2018 तक मुकम्मल हो जाएगा, इसमें तकरीबन 996 बेड हो जाएंगे, तकरीबन 1000 बेड पे चला जाएगा। अभी बाइलिंग हो चुकी है, ग्रे स्ट्रक्चर आ रहा है, तकरीबन हमको 2-2.5 साल के अंदर तकरीबन 12 बिलियन रुपीस चाहिए। लेकिन यह है कि इस कौम में मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं इस जगह पैदा हुआ जहाँ पर लोग देने वाले हैं। हाँ, और कोई भी, आपने सबने देखा जब भी कोई आफत आई इस मुल्क के ऊपर तो और आगे बढ़ती है, और इनको बस चाहिए होता है कि कोई सही जगह हो
और फिर लोग फिर जो है ना देते रहते हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी हो, आप कर रहे हो, और हम तो इंडस हॉस्पिटल की मतलब आप टीवी पे बहुत से क्लेम कर सकते हैं, हम अखबारों में भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जो आप आके देख लें मौजूद जिस वक्त भी आए। बिल्कुल, सवाल ये बहुत जहन में आता है जब हम किसी ऐसे हॉस्पिटल की या किसी ऐसे सोशल वेलफेयर के इदारे की बात करते हैं, तो लोगों के जहन में जो सबसे पहला सवाल आता है, जिस तरह आपने कहा कि हमारे पास ज़मीन है, ये ज़मीन कहाँ से आई, या इसको बनाने स्ट्रक्चर जब बनाने का ख्याल आया तो किस तरह आपने कलेक्शन की, ये एफर्ट्स है ना, ये एफर्ट्स किस तरह की, ये लोगों के जहन में सवाल सबसे पहले आता है किस तरह बना, कहाँ से आप लोगों की तमाम फंडिंग होती है। इंडस हॉस्पिटल की जो बुनियाद है ना वो यकीन पे है। Okay. और यकीन गैर मुतज़लज़ल यकीन अल्लाह के ऊपर, क्योंकि अल्लाह करता है ये सारी चीज़ हमारे लिए, आपके लिए। हम समझते हैं कि ये अरबों रुपए में जो है ना बहुत सारे जीरोज़ हैं, हमें समझ में अभी गिन के बता नहीं सकते, लेकिन अल्लाह के लिए तो कुछ भी नहीं। अल्लाह ने कहना कुन फयकुन और हो जाना है। तो हमने जब ये चीज़ कही थी तो लोगों ने इसको एक्नॉलेज किया। मुझे तो लोग ये कहते थे कि 6 महीने में, साल में, मैक्सिमम साल में जो है ना ये आप चार्ज करना शुरू कर देंगे, ये फ्री चल नहीं सकता है। और अब इसको कितने और साल हमारा जवाब आज 10 साल होने वाला है इंशाल्लाह, अगस्त में हम 10 साल हो जाएंगे। 100% फ्री, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज, तमाम सर्विसेज, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी प्रॉब्लम हो, बीमारी है, डिजीज आप लेकर आए हैं, आप 100% फ्री, क्योंकि हमने देखा है। सही बात है कि आपने कहा कि चले मेन तो चीजें हो गई हैं, मगर ये मेडिसिन आप पर्ची दे रहे होते हैं, आप लेके नहीं, ऐसा कोई दे, सब कुछ प्रोवाइड किया, सब कुछ, चाहे देखें वहाँ पर एंजियोग्राफीज होती है, एंजियोप्लास्टीज होती है, 1 रुपए की चीज़ से लेके 1,00,000 रुपए लगे, 10,00,000 रुपए लगे, आपकी कोई परेशानी नहीं होती है। तो बाहर से कोई चीज़ नहीं मंगाई जाती, एंजियोप्लास्टी में 1 स्टेंट लगे, 2 लगे, 3 लगे, ड्रगुलेटिंग लगे, किसी किस्म की प्रेफरेंस दी जाती है किसी को, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सिर्फ इमरजेंसी जो है ना वो क्यू को बाईपास कर सकता है, बाकी चाहे कुछ लोग कहते हैं हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हम अपना हिस्सा डाल देंगे, लेकिन हमें यही कराना है, लेकिन हाँ, लेकिन उनको फिर ये होता है कि जी आपने, आप चाहे पे कर सकते हो, चाहे कुछ कर सकते हो, आप करना भी चाहते हो, डोनेशन भी देना चाहते हो, लेकिन आपको क्यू में आना पड़ेगा। के अलावा कोई सिफारिश, कोई पैसा, कोई चीज जो है ना क्यू को जंप नहीं कर सकता। और ये क्यू कोई छोटी तो नहीं होती होगी, क्यू बहुत लंबी है, क्योंकि 150 बेड है ना, मैंने आपको बताया, जैसे नी जॉइंट रिप्लेस हो रहे हैं लोगों के, लॉन्ग टाइम के लिए स्टे होता होगा पेशेंट का वहाँ पे। तो इसके लिए फिर आपने, आप जो अब बताइए, जो एक्सपेंड कर रहे हैं आप, कहाँ पर है, कराची में ज्यादा आपकी तवज्जो पंजाब साइड पे है, किधर सिंध की तरफ है? इस वक्त अभी जो है ना, इस वक्त हमारा जो है ना एक हॉस्पिटल शुरू हुआ था 2007 में, लेकिन इस वक्त हम इंडस हेल्थ नेटवर्क हो गए हैं, क्योंकि सिर्फ कराची के अंदर ही आयशा मंजिल पे चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल है, इंडस हॉस्पिटल का, फिर PIB कॉलोनी में हमारा डायलिसिस सेटअप शुरू हो रहा है, और जो अभी जिस वक्त जिसके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा है कि एक्सपेंड कर रहे हैं, जो करेंगे क्रॉसिंग के ऊपर ही, और उसमें जैसे बेड बढ़ जाएंगे, हम तकरीबन मैंने बताया था कि 1,000 बेड पे हो जाएंगे और अल्टीमेटली 1,800 बेड होगा। तो वो उसके अलावा सिंध में बदीन का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हमने अभी 2-3 महीने पहले ही सिंध गवर्नमेंट से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर लिया है, उसमें हमारे लेने से ही बहुत सारी तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई हैं, जो वहाँ पर आज तक 14 साल से कोई डिलीवरीज नहीं होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू हो गई हैं। इसके अलावा पंजाब में, पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे साथ मुजफ्फरगढ़ में एक हॉस्पिटल, लाहौर में एक हॉस्पिटल, और वो इसी लेवल के हैं जैसे यहाँ पे कराची में है जी, या कुछ चेंज है? लेवल्स वही है, उसमें सिर्फ ये है कि फंडिंग पंजाब गवर्नमेंट करती है, मैनेज हम करते हैं। यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट करती है फंडिंग बदीन में? ओके, बदीन। और पिछले 2 साल से, पिछले 8 साल तक तो नहीं, पिछले 2 साल से गवर्नमेंट हमको एनुअल रिकरिंग ग्रांट कोई 300 मिलियन देती है। Good. जिसको एक्नॉलेज करना चाहिए। तो उसकी तवज्जो आप लोगों ने खुद दिलाई या आप लोगों के काम की वजह से? काम की वजह से, काम की वजह से उन्होंने कहा, और अभी एक और हॉस्पिटल कराची में भी वो कह रहे हैं कि हमसे हम ले लें। अब सूरत हाल ये है कि हमारे पास जो है ना ऑफर्स बहुत सारी हैं, लेकिन सब के लिए पैसा सिर्फ नई चीज़ होती है, असल में ह्यूमन रिसोर्स ज़रूरी चाहिए होता है, लोग तैयार करना। और जैसे आपने कहा जब इसको स्टार्ट किया तो सॉफ्टवेयर के लोगों को पहले लेके आया गया ताकि पेपरलेस काम शुरू हो, तो और अभी तक पेपरलेस ही चल रहा है, पेपरलेस हमारा जो भी नया जितने भी आपके सब पेपरलेस है,
और मुश्किल नहीं आई इसमें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इन हाउस बना हुआ है ना, तो इसलिए सोर्स कोड भी अपने पास है, तो कोई तब्दीली नहीं करनी चाहती है वो कर सकते हैं। और हम जो है ना आइंदा भी जो है ना, जैसे मैंने कहा था ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने जो है ना पिछले साल हमको यूनिवर्सिटी का चार्टर मिल गया है। अब इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज भी अगले 3 साल में यूनिवर्सिटी भी हो जाएगी, मेडिकल कॉलेज अपना डेवलप हो जाएगा, नर्सिंग स्कूल है हमारे पास, उसके अलावा डेंटल कॉलेज बना लेंगे, पैरामेडिक्स का बन जाएगा, पब्लिक हेल्थ का बन जाएगा। तो हमारी, क्योंकि जब 1000 बेड के लिए मुझे लोग चाहिए होंगे तो उनको बिल्कुल आज से ट्रेन करना करेंगे तो ये फिर फिल करेगा। सही, क्योंकि अभी आपने कहा कि 150 एकदम से 1000 पे चले जाना, ये तो एक बहुत बड़ी जंप, बहुत बड़ी जंप है जी। इसमें आपको लाजमन ना सिर्फ स्टाफ की और पैसों की फंडिंग पैसों की इस वक्त हमारा जो है ना, इस वक्त तकरीबन हमारा एनुअल जो बजट है वो तकरीबन 1.6 बिलियन रुपीस है। मुझे याद पड़ता है लास्ट प्रोग्राम में जब आप आए थे तो शायद आपसे ही मेरी बात हुई थी, जिसमें आपने कहा था कि हमने जीरो से शुरू किया था और उसका आज देखें रिजल्ट ये है, क्योंकि आपने कहा कि हमने बिलीव किया सिर्फ अल्लाह पे जी, बिल्कुल। और वही अभी आपने वर्ड इस्तेमाल किया, यकीन करना। यकीन करने से, अगर यकीन में आपकी सच्चाई है और आपका खुलूस है और जितनी आपके अंदर विल है उसको इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आज इस मकाम पे इंडस हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप सब जा सकते हैं, जो अगर आप काम इंसानियत के लिए करना चाह रहे हैं, इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए करना चाह, आपका है भी जो है, क्योंकि देखें टैगलाइन भी आप लोगों की यही, हमने इस वक्त टॉपिक भी यही रखा है, इसीलिए असल में जो है ना, देखें सिर्फ ये नहीं है जो मरीज वहाँ से शफायाब होता है ना और जिसको फायदा होता है ना, वो दुआ करता है बिल्कुल, और अल्लाह किसी मजलूम की दुआ को जो है बहुत तेज जाती है अल्लाह के पास। मैं अपने स्टाफ को कहता हूँ कि देख के आप लोगों की इनकी खिदमत करें, क्योंकि इनकी दुआएं मिलती हैं, लेकिन अगर इनकी आपने गड़बड़ की ना तो इनकी बददुआ इससे ज्यादा स्पीड से जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जरा सी आप सारे वक्त केयर करते रहे, जरा सी आपकी जो है मिस्टेक जो है वो आपको आपकी तमाम चीज पे पानी फेर देती है, ये चीज है मानने वाली, क्योंकि अच्छाई को फैलने के लिए बहुत चाहिए, बिल्कुल बुराई एक ही काफी एक ही काफी होती है। सही, और उससे अवॉइड करना, सबसे पहले स्टाफ को यही ट्रेनिंग दी जाती होगी, ट्रेनिंग का क्या सिस्टम है? देखिए हमारा इन हाउस ट्रेनिंग जो एचआर डिपार्टमेंट है वो इन हाउस ट्रेनिंग करता रहता है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस जिहाद है, क्योंकि जिस माशरे से लोग मिल रहे हैं आपको पता है कैसे, तो उन सबको तरबियत देना और ये कंटिन्यूस करते रहना चाहिए। असल बात ये है कि जो हायरार्की है, जो लीडरशिप है, वो अगर रोल मॉडल नहीं होगी तो काम नहीं होंगे, बिल्कुल। क्योंकि हम अगर अच्छी तरीके से काम करेंगे तो आपके फॉलोअर्स वैसे ही कर रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर भाई साहब, एक चीज़ जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई, आपने डिटेल में बताने की कोशिश भी की, जब फिर मैं सोची हूँ इतनी देर से बैठी आपसे बातें तो कर रही हूँ, कि जब मुझे समझ नहीं आई तो हो सकता है हमारे नाज़रीन को भी ये बात समझ ना आई हो। आपने अभी कहा कि क्यों में होते हैं लोग और क्यों बहुत लंबी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली है, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया कि अगर कोई एक बड़ी बीमारी लेके आया है और 150 बेड हैं, फिर आप क्या करते हैं ऐसे मौके पे, वो क्यों किस तरह उसको जंप कर सकता है? देखिए क्यों जो है ना, जो बात ये है कि बिस्तर हमने, हाँ उसमें यही है कि 150 बिस्तर है ना, जब मरीज 150 भर गए तो आप कैसे दूसरा पेशेंट ले सकते हैं, फिर आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, कहीं देखें, कहीं हम रेफर करते हैं, किसी रेफर कर देते हैं। हमने इमरजेंसी में, जैसे हमारी इमरजेंसी में तकरीबन 600-700 मरीज रोज़ आते हैं, सही, और हमारे पास दाखिल करने के लिए 20-25 बेड होते हैं, क्योंकि वो रूलिंग चल रही है। तो मुझे 600-700 होते हैं, उनमें से कितने लोग होते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है एडमिट होने की? हमेशा इमरजेंसी तकरीबन 10% होता है कि जिनको ज़रूरत होती है, तो जिसमें बेड अवेलेबल होता है वो दाखिल हो जाते हैं, और फिर जो नहीं होते तो इमरजेंसी में एटलीस्ट उनको स्टेबलाइज करा लिया जाए। वो एक घंटा जो गोल्डन आवर होता है, जहाँ पर अगर आप उनको ट्रीट कर दें तो उनकी ज़िंदगी सेव हो जाती है, वो हम पूरा करके कोशिश करके उनको सेव करके स्टेबल कर दें, फिर उसके बाद हम कहीं पर भी जिना हॉस्पिटल या उधर जाके या सिविल अस्पताल या किसी ऐसी जगह जहाँ पर उनको लिए अफोर्ड कर सकते हो, वहाँ पर हम उनको पहुँचवा देते हैं, रेफर कर देते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस तरफ आऊँ कि आपका जो डॉक्टर्स का स्टाफ है उनका हायरिंग कैसे है या उनको पे किया जाता या नहीं, ये ज़रूर मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन थोड़ा सा ये बताइए पहले तो कि जिस तरह आपने बताया कि पेशेंट के लिए आप चलें एडजस्ट कर देते हैं, सारा कुछ होता है, मगर यहाँ पे जब बात होती है कि लोगों का दूर से आने वाले लोग, अक्सर ऐसा भी होता है कि हमने देखा है हॉस्पिटल में बाहर डेरा भी उनके पूरी पूरी फैमिलीज आती हैं, क्योंकि जिन इलाकों से पेशेंट्स आते हैं जिस तरह आपने बताया जी जी जी, तो उनकी पूरी पूरी फैमिली साथ आती हैं, उनको उनको भी कुछ कैटर किया जाता है या उनके
अभी उस साइड पे हम नहीं है, मतलब ये कि वो डेफिनेटली एक क्योंकि तमाम चीजें आपको मुश्किलात पैदा नहीं करती हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के अंदर तो हमारी बड़ी अलाउड नहीं है, तो वो एक अटेंडेंट अलाउ करते हैं, उसी पे हम लोग काफी उस पे स्ट्रिक्ट हैं उस मामले में। लेकिन यह है कि ये फील होता है क्योंकि हमें पता है कि माशरा यही है, यहीं से लोग आते हैं, पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान भर से लोग आते हैं यहाँ पर, और यही नहीं है कि ज्वाइनिंग एरियाज ईरान और अफगानिस्तान से भी लोग आ जाते हैं किसी के लिए जिसको पता है फ्री इलाज होना है। तो हम तो इंसानियत के लिए ना, हमारा कोई बाउंड्री तो है नहीं, बॉर्डर नहीं है, लेकिन वो ये है कि क्यों लेना पड़ता है उनको। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जैसे पूरी फैमिली आती है और फैमिलीज आती हैं तो फिर क्योंकि हमने तो देखा है भरे पड़े अस्पताल, बड़े पड़े अस्पताल चले जाएं, यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के नाम मुझे नहीं आते हैं जी, सिविल जनाब बासी शहीद वगैरह में सब जगह उनके फुटपाथों पर लेटे होते हैं, मुझे अंदाजा है क्योंकि मैं पब्लिक सेक्टर में काम करता हूं, क्योंकि हम आए दिन देख रहे होते हैं, रिपोर्ट्स बनी हुई होती है उनकी, हालत कोई हाल नहीं होता उनका, जबकि बहुत अफसोस के साथ ये हमारे जिम्मेदारी गवर्नमेंट की पहली जिम्मेदारी में से हेल्थ एजुकेशन ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करना, जिसपे हमें अफसोस होता है, लेकिन माशाल्लाह हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से इदारे हॉस्पिटल्स हैं जो अपनी मदद आपके तहत सबकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस पर कि इंडस हॉस्पिटल को जिस तरह बनाने का मकसद इंसानियत की फलाह बहबूद, और आज तक काम किए जा रहे हैं आप इस सिलसिले में, लोगों को क्या रिस्पॉन्स है, लोग किस तरह आपकी हेल्प करते हैं, या आप लोगों को क्या कहेंगे कि वो अगर हेल्प करना चाहते हैं इस वक्त देख रहे हैं आपको लोग, क्या किस तरह हेल्प करें रमजान में ज़्यादा यकीनन आती होंगी फंडिंग। बिल्कुल सही बात है, मैं देखिए जिस तरह हर साल फंडिंग बढ़ती जाती है क्योंकि मरीज भी बढ़ रहे हैं और लोगों का रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आज तक कभी किसी मरीज को हमने लौटाया नहीं पैसे ना होने की वजह से, तो लोग देते हैं और उनको हम जो ज़कात का एक जो एक हमने एक श्योरिटी लोगों को देनी है कि जो ज़कात का सही तरीके से शरीय तरीके से जिस तरह इस्तेमाल है, हम उस मामले में बड़े पर्टिकुलर हैं और उसमें हम जो है उलमा से गाइडेंस लेते हैं, हमारा जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो उसमें आलिम भी हैं मुफ्ती भी हैं जो इसको एनालाइज कर रहे होते हैं कि जो सही तरीके से जो लोगों की, क्योंकि लोगों की जो ज़कात है ना वो एक अमानत है, बिल्कुल, उसको सही तरीके से इस्तेमाल होना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि अल्लाह के दया तो जाना ही है ना हमने, बिल्कुल, बिल्कुल। तो पता लगा ये तो काम अच्छा कर लिया वहाँ, तो इस मामले में बहुत तो इस मामले में हम लोग बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं कि लोगों की ज़कात सही तरीके से इस्तेमाल हो जाए और हम उलमा से गाइडेंस लेते रहते हैं इसके अंदर। तो ज़कात डेफिनेटली चाहिए, लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि ये एक्सपेंशन हो रही है और इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, मतलब एक बेड अपने एक सदका जारिया क्योंकि ये तो सदियों तक इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल रहेगा। अंदाजन कितना एक बेड के लिए कितना, एक बेड की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तकरीबन 15 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए है, वो चाहे एक साथ देना चाहे कोई, या कोई कहे कि जी मैं 2 साल के अंदर दे दूंगा हर महीने कर करके दे दूंगा। आपसे पूछने वाली थी कि इस तरह भी आपके यहाँ है लोग इस तरह फंडिंग करते हैं कि महीने का महीने देना या एक साल का, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बेड कोई एक देना चाहे और अपने किसी वालदैन के नाम पे सदका जारिया के लिए देना चाहे, छोटी-छोटी चीजें होती हैं जो आप आराम से जो है बड़े आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल, और लोग कर भी रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। जब ये आप यहाँ पे इधर तक पहुँच सके भी हैं, देखा जाए तो लोग जब तक आपकी मदद नहीं करेंगे उस वक्त तक आप इस काम तक नहीं, असल में मैंने यही कहा ना कि वो, और लोगों को श्योरिटी भी चाहिए होती है कि उनका पैसा सही जगह पे खर्च इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल, और उनकी तवज्जो जो देखे ना, बात ये है कि हम बहसियत इंसान ये हमारी जो है ना ये फ़र्ज ऐन है, मतलब कि अगर हम कुछ किसी की मदद कर सकते हैं तो ये मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, क्योंकि कल को अल्लाह ताला पूछेगा कि तुम ये कर सकते थे तुमने नहीं किया, तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि जी फर्ज कफाया नहीं है कि जी मोहल्ले में एक आदमी ने जनाजा पढ़ ली तो सबकी तरफ से हो गया, तो हर एक अपने से पूछा जाएगा कि आप कुछ कर सकते थे तो आपने क्यों नहीं किया। और मेरे ख्याल में हम बहुत सारे लोग सब हर एक का दिल चाहता है कुछ ना कुछ करने के लिए, वही रही सही जगह देखना चाहते हैं और पाकिस्तान में ऐसे इदारे हैं जहाँ लोग कर रहे हैं और ऐसे इदारे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। मरीज़ की बात जब करें, पेशेंट की बात करें, पेशेंट हज़ारों की तादाद में विज़िट करते हैं मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में, जब आप लोग की तरफ आते हैं तो ऐसे भी आते होंगे पेशेंट जो अफोर्ड कर सकते हों और मगर ट्रीटमेंट आपसे करवाना चाहते हैं, इस तरह आपने कहा कि लोग उनके पास कहते हैं हम ये कर भाई, लेकिन आपको ये होता है कि नहीं जो डिज़र्व करता है पहले उसको आप देखें हमारी जो, तो क्या लोग पेमेंट वगैरह करते हैं अगर वो क्यू में भी हों या आ गया है उन तक आप क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं?
بیسیکلی ہماری ٹارگیٹ پاپولیشن ہے جو غریب آدمی ہے, غریب مین ٹارگیٹ, ایک غریب آدمی جو مستحق زکات اور غیر مستحق جو افورڈ کر سکتا ہے وہ تو آلریڈی کسی بھی ہاسپٹل میں, پرائیویٹ ہاسپٹل میں, لیکن ایک اور جو ہے نا قابل رحم جو کلاس ہے نا وہ سفید پوش لوگ ہیں جو کہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ کسی کو اگر آج کسی کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے, دو بچے ہیں, گھر اپنا نہیں ہے, تو وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. اگر کسی کو اینجیو پلاسٹی کی ضرورت پڑ جائے یا بائی پاس آپریشن کی پڑے, وہ نہیں کر سکتے, بڑی چیزیں جی, تو وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں اور وہ اپنی بیماری کو بڑھاتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میری ذمہ داری اب, میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے دوائیاں دے دیں, ایسا بس ہو جائے کہ میں یہ اپنی بچی کی شادی سے فارغ ہو جاؤں, پھر اللہ میاں مجھے اٹھا لے. اس قسم بہت سارے کیسز ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے ایک ایسی چیز بنا دی کہ کوالٹی کیئر اور بینچ مارک یہ رکھا کہ جہاں پر علاج میں بھی چاہوں تو اپنا علاج کرا سکوں. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ارباب اختیار اگر اپنے گورنمنٹ کے ہسپتال اور اسکول استعمال کرتے تو آج یہ حال نہ ہوتا. تو ہم نے بینچ مارک یہ رکھا, ایسی کوالٹی رکھیں گے, اور یہ صرف زبانی نہیں ہے, مطلب میرے کچھ میڈیکل ڈائریکٹر کا بائی پاس, یہ ٹیکنیکل ڈائریکٹر کا بائی پاس آپریشن صرف انڈس ہاسپٹل میں یہ ہوا, جس طرح بھی کہا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں ان کی حالت جس طرح ہے اور صاحب اختیار لوگ ہیں ان کو اس طرح توجہ دینی چاہیے, ایک سوال ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انڈس ہاسپٹل یا اور ایسے ہاسپٹلز یا ادارے جس طرح ایڈاپٹ کر لیے جاتے ہیں, اسکولوں کے بارے میں بڑا سنتے ہیں کہ ایڈاپٹ کر لیا تو اس کو آپ نے کر, کیا ہاسپٹل ایڈاپٹ نہیں ہو سکتے؟ اس پہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں, لیکن یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی بریک سے آگے ہیں واپس, اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی انڈس ہاسپٹل کی, ابھی بھی وہ اس پہ بات ہوگی, لیکن تھوڑی سی جو بات میں آپ سے جاننا چاہی تھی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عبد الباری خان صاحب سی او دا انڈس ہاسپٹل ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی میں کہ جس طرح اسکول, میں نے آپ سے کہا ہم نے بڑا سنا کہ گورنمنٹ سے اسکول اڈاپٹ کر لیے گیا اور ان کو پھر رن کیا گیا پرائیویٹلی اور این جی اوز نے لے لیا, اس طرح ہاسپٹل اڈاپٹ نہیں ہو سکتے کیا؟ اس کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے, سب کچھ ہے, مشینری بھی, ہم نے تو یہاں تک دیکھا گورنمنٹ کیسے سے اسپتال ہے جہاں پہ مشینری ہے مگر اس کو جو ہے یوز کرنے والا یا اس کو رن کرنے والا کوئی نہیں ہے جو اس کے بارے میں جانتا ہو ٹیکنیکل. بالکل, ابھی دیکھیں پچھلے سال گورنمنٹ نے یہ ایک پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ایکٹ بنایا تھا, اس کے تحت جیسے میں نے بتایا تھا بدین کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل وہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں گورنمنٹ فنڈنگ کر رہی ہے, ہم اس کو چلا رہے ہیں ابھی, یہ اچھا ایکسپیرئنس ہے, اس میں تھوڑی مشکلات تو آئیں گی ڈیفینیٹلی, کیونکہ گورنمنٹ کے ملازمین ہیں, پھر ان کو ان کا بھی عمل دخل ہوگا, ان کو ٹیک کرنا, وہ ساری چیزیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, ایسے اور ہاسپٹل بھی ہو رہے ہیں, کراچی میں ابھی بھی ایک ہاسپٹل ہونے والا ہے جس کے اوپر ہم کام کریں گے. ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ دیکھیں جی, ایک پیرل سسٹم, ایک ماڈل کریٹ کر دیں جس کو لوگ جو ہے نا اس کو دے سکیں. صحیح, پہلے تو دیکھیں نا گورنمنٹ, اب 60 سال ہو گئے, 70 سال ہونے والے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے, اور احتجاج بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے, اس کا کوئی اثرات نہیں تھے. ہم نے کہا ایک ماڈل کریٹ کر دیں تاکہ جب آپ اختیار جب دیکھیں گے تو وہ آپ سے مشورہ کریں گے. تو اب یہی ہوا, اب انہوں نے کہا کہ آپ ہاسپٹل ہمارے چلائیں, ہم کو شروع میں مشکلات کی, جی ہم ایڈمنسٹریشن دی دیں گے, لیکن اب انہوں نے کہا آپ کی شرائط پہ ہم دینا چاہتے ہیں. تو جیسے آپ نے, میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر بھی پنجاب میں تو ہمارے 3 ہاسپٹل ہیں جو کہ ہم نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, ابھی 2-3 دن اڈاپٹ کرنے کے بعد زیادہ اچھا آپ لوگوں کا لیے اچھا رہا, ایزی رہا, یا اپنے ہاسپٹل خود ہی کریٹ کرنا اور بنانا, اپنا کریٹ کرنے کے بعد اس کے آپ کی جو اپنا بناتے ہیں, آپ اپنا چلاتے ہیں, وہ اس میں آپ کی خود مختاری کافی ہوتی ہے, اور اس میں وہ ایلیمنٹ بھی شامل ہو گیا, اس میں ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک اچھی بات یہ ہو جائے کہ انفراسٹرکچر کاسٹ نہیں آتی آپ کو, کہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے, اکوپمنٹ ہے, اور ہونا یہی چاہیے کہ جی ہم کو, تاکہ ہم وہ بچا سکیں اور آپریشنز میں خرچ کر سکیں, جو کہ لوگوں کے ادھر سے سیونگ ہوگی تو آپ کے لیے بہتر ہوگا, وہ ساری ہوگی. مشکلات تو دیکھیں, نئے سیٹ اپ میں جائیں گے تو اس میں مشکلات ہوں گی, اگر ہم یہ کریں گے ون ون سچویشن دونوں پارٹنرس کے لیے ہو, وہ بھی ہماری ہیلپ کریں, ہم بھی ان کی ہیلپ کریں. دیکھیں ہماری کوئی اسٹرینتھ ہے, پبلک سیکٹر کی ایک اسٹرینتھ ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کی ایک اسٹرینتھ ہے, تو کمزوریاں ہمارے بھی, کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہے, اللہ کی ہستی کے علاوہ آئیڈیل کوئی چیز نہیں ہے,
तो इसमें फिर ये होता है कि जी आपकी स्ट्रेंथ्स को और उनकी स्ट्रेंथ्स को कंबाइन कर लें ताकि डिलीवरी अच्छी हो जाए, लोगों को इसका फायदा पहुंचे, स्ट्रांग हो जाए। जब आपने स्ट्रेंथ की बात की है, जब स्ट्रेंथ की बात होती तो उसमें कहते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ से आगे बढ़ के काम करना, तो उसमें थोड़ा जहन में ये सवाल आता है कि भाई कहीं क्वालिटी जो है उसको मेंटेन करने में मसला तो नहीं हो रहा, या इक्विपमेंट जिस तरह आपके पास एक है जो आपका बेसिक हॉस्पिटल है उसमें सब कुछ है, उस तरह आप उधर प्रोवाइड कर सकते हैं क्या नहीं, क्या इसके में आपको देखें चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ता? देखें चैलेंजेस का है, हम जहाँ जाते हैं हम ये कहते हैं कि देखिए इसको चलेगा उन्हीं उसूलों पर जिस पे इंडस कराची चल रहा है, तो पहले दिन से ऐसा नहीं होगा डेफिनेटली, आपको बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस करनी है, बहुत सारी खराब वहाँ पर कमज़ोरियाँ होती हैं, उसमें कमी बेशी होती है, उसके ऊपर हम मिल के हम काम कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। जैसे डायलिसिस सेंटर है, इसी तरह जैसे हमने ब्लड सेंटर हमारा कराची में एक बहुत बेहतरीन ब्लड सेंटर बना हुआ है, जहाँ हम ब्लड के लिए एक में आपके प्रोग्राम के तवज से लोगों को ये भी मैसेज देना है कि खून जो है ना 120 दिन में आपका ख़त्म हो जाता है, चेंज होता है, तो अगर आप अपने लिए हर 6 महीने पर हर 3 महीने पर ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जब तक ये वाले तो कोई आपको कोई आपकी सेहत पे बेहतरी होगी, कोई असर नहीं पड़ता, और बेहतर बेहतर होगा, समझ लेना चाहिए। और इसमें जो है ना वॉलंटियर का पैसा खर्च नहीं हो रहा, सबसे बड़ी बात, मगर आप इससे लोगों को जिंदगी दे रहे हैं, तो आपके लिए ये सदका जारिया हुआ, और चार एक आपके एक ब्लड पॉइंट ऑफ ब्लड से 4 मरीज को फायदा होता है, क्योंकि आप उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक को जो चाहिए वो दे देते हैं। तो एक बहुत बड़ा सेंटर है कि इतिहाद है, डॉक्टर सबा जमाल हमारी जो ब्लड सेंटर की डायरेक्टर हैं, वो एक अमेजिंग लेडी, आप कभी मैं आप उनके पास आपके पास भेजूंगा उनको, आप उनको इंटरव्यू कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि कितना पैशन है उनके अंदर, और उनका एक पैशन है कि इस मुल्क में जैसे दुनिया में हर जगह डेवलप कंट्री में ये होता है कि खून की जिम्मेदारी लोगों की है। तो आप ये नहीं समझते डॉक्टर साहब ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है जो कि आप पेपर के ज़रिए कर सकते हैं, आप ऑन ईयर आके कर सकते हैं कि लोगों को इस बात की अवेयरनेस दें, और कहते हैं ना जो चीज़ घड़ी घड़ी आपकी आंखों के सामने आती है तो उतना ही असर करती बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो अगर जिस तरह आपने ये बात आज बताई है कि आप खून देते हैं, आपको उससे ना कोई आपकी सेहत पर असर पड़ता है, दूसरे सदका जारिया है, तीसरे कि एक एक को नहीं चार चार लोगों को ये प्रोवाइड किया जाता है, एक आपके खून से चार को फायदा हो सकता है, चार मरीजों को फायदा, तो कितनी दुआएं आप लेंगे। बिल्कुल। और हमारा जो जिस मजहब से हमारा ताल्लुक है उसमें तो यही कहा जाता है कि सदका जो है आपकी मौत के अलावा हर बीमारी हर बला को टाल देता है, तो इस चीज़ को समझना चाहिए। मैं समझती हूँ कि इसके लिए वर्कशॉप्स या आपकी पम्फलेट होना या आपकी प्रमोशन या इसके जितना इसको आप लोगों के आंखों के सामने लाएंगे, अवेयरनेस देंगे, उतना अच्छा है। क्या इस किस्म इस सिलसिले में कोई काम होता है? इस पे तो हमारा माशाल्लाह काफ़ी काम हो रहा है, हमारे इसके लिए भी आपने यकीनन कोई टीम रखी हुई होगी। बिल्कुल, हमारे कैंप्स होते हैं, हमारी जगह जाके कैंप्स लगाते हैं, और हमारी ब्लड टीम को तकरीबन समझे कि डेली एक कैंप हो रहा है। कितनी परसेंट आप समझते हैं कामयाबी होती है आप लोगों को? काफ़ी बेहतरी आ गई है, हमने जो शुरू किया था मेरे ख्याल में आज के लोगों को एजुकेट करना आसान नहीं है, लेकिन लोग समझ जाते हैं, हम समझते हैं कि देखें आपको मैं लोग कहते हैं कि यहाँ नहीं हो सकते, मोबाइल फ़ोन आपका हर आदमी इस्तेमाल करता बिल्कुल, है बिल्कुल। आप पेट्रोल पंप पे चले जाए ना तो वही जो आदमी है वो आपका क्रेडिट कार्ड को चार्ज कर लेता है मशीन के ऊपर, अनपढ़ होता है, वो मोबाइल पर मैसेज काम नहीं कर सकते जो वो करके वो रोमन उर्दू में जो है ना आपको मैसेज भी कर देता है, आपका ड्राइवर है मेरा ड्राइवर है वो आप मैसेज कर देता है कि अपने रोमन उर्दू में। तो जिस चीज़ें आती हैं गैजेटरी मिलती है लोग सीख जाते हैं, इसको बार बार कहना पड़ता है, बार बार हर चीज को जब तक बार बार नहीं करेंगे नहीं होगा। और जो दूसरी बड़ी अहम बात है कि देखें इस किस्म के हॉस्पिटल हमको बहुत बनाने पड़ेंगे, अगर हमने प्रिवेंटिव साइड पे काम नहीं किया, एहतियात के ऊपर काम नहीं किया, लोगों को प्राइमरी हेल्थ के ऊपर काम नहीं किया जो कि हम कर रहे हैं, तो हम प्राइमरी हेल्थ में लोगों को प्रिवेंशन के ऊपर कहेंगे। हॉलैंड में हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं क्योंकि वो लोग इतनी ज़िंदगी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी है, साफ पानी मिलता है, ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा है, क्वालिटी ऑफ फूड अच्छी है, तो मगर ये तो हमारे लिए तो ख्वाब ही है ना, इसे हकीकत में बदलना हमारा ही काम है, अगर हम हमारी विल होगी तो हम इसे हकीकत में बदल सकेंगे। डॉक्टर साहब अभी आपसे प्रोग्राम के दौरान आपने काफ़ी बार एक वर्ड यूज़ किया इंडस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल्स का, उसके उसूलों का, ऐसे कौन से प्रिंसिपल और असूल हैं जिसके बारे में मैं समझती हूँ कि हमें जानना चाहिए कि आप लोग इन असूलों के तहत काम कर रहे हैं जो आप कभी चेंज नहीं करेंगे, और जिस तरह आपने कहा जब हॉस्पिटल अडॉप्ट किया तो उन असूलों को भी आपने सामने रखा? देखिए एक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि कोर वैल्यू में जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, ये अहम है, और एक्सीलेंस ड्रिवन क्वालिटी, सही ठीक है ना, ये हमारा, और कभी गिरने नहीं देना, ये कभी नहीं गिरने देना,
फ्री होगा, क्वालिटी होगी, एक्सलेंस ड्रिवन होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, लोग तैयार करें। मुझे लोग कहते हैं कि तुम लोग तैयार करोगे बाहर चले जाएंगे। मैंने कहा कि जी अगर मैं इतने लोग तैयार कर दूं बाहर चले जाएंगे, देखें अगर आपकी आपकी इकोनॉमी में जो मेजर जो फॉरेन एक्सचेंज आता है तो वो बाहर से लोग भेज रहे हैं, पाकिस्तानी एक्सपर्ट पाकिस्तानी भेजें, ये जब जाएंगे इनके खानदान बन जाएंगे, पॉवर्टी एलिवेशन आज 30% पे खड़े हुए हैं, बिलो नुकसान नहीं, यहाँ से भी आपको फायदा है। और देखें अगर आप देखें ना हमारे यहाँ ये पॉवर्टी की एक लाइन है, इसमें ऊपर नीचे लोग मूव करते रहते हैं, कोई पॉवर्टी लाइन से ऊपर चला जाता है, कोई नीचे आता है। अमेरिका में जो पॉवर्टी लाइन में नीचे जो जाता है उसकी एक बड़ी वजह जो है ना वो तलाक है। वहाँ पर जब किसी को तलाक हो गई ना तो आधा पैसा बिल्कुल वो ले जाते हैं, आधा पैसे इधर। पाकिस्तान में पॉवर्टी लाइन में जितने लोग गिरते हैं ना वो बीमारी है। कोई अगर बीमार हो गया, जिसको कैंसर हो गया, किसी को डायलिसिस हो गया, किसी को बाईपास की जरूरत पड़ गई, कितना एक्सपेंसिव इसका ट्रीटमेंट है कि लोग तो लोग नहीं कर सकते, तो किस तरीके से और कोई चीज आपने बेच दी, तो ये चीज जो है ना जबकि इसका इलाज है, इसका इलाज मौजूद है। तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे सिर्फ बीमारियों की वजह से आते हैं पाकिस्तान में, वहाँ पर तलाक की वजह से आते हैं, बीमारी की वजह से गिरते हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको नहीं मिल रहा है। असल चीज ये है। बात कर लेते हैं स्टाफ की। जिस तरह मैंने ब्रेक से पहले भी आपसे जिक्र किया था कि मैं आपसे ज़रूर जानूंगी कि स्टाफ की हायरिंग का क्या सिलसिला है, खासतौर से डॉक्टर्स की, और जिस तरह आपने कहा कि इतने बड़े बड़े ट्रीटमेंट जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिसमें ऑपरेट किया जाता है, कार्डिक हैं, इस तरह आपने बताया था डायलिसिस की बात हो रही थी, क्या तरीका है? देखिए हमारे पास स्टाफ की दो कैटेगरीज होती हैं, एक तो जूनियर स्टाफ है, जूनियर डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनकी सैलरी का सिस्टम जो है ना वो तो सारी एज मार्केट रेट पे होते हैं। okay. क्योंकि आपको हॉस्पिटल तो चलाना है और कम्युनिटी बेस पे नहीं होते कि इंसानियत के लिए आप काम करें तो आप चलें आके। ज्यादातर इन लोगों जो लोअर देखें ये अपनी कम्युनिटी में या इनकी ह्यूमैनिटी में या अपना कंट्रीब्यूशन करते होंगे, लेकिन ये है कि लोअर स्टाफ के लिए आपको ऊंचाई मार्केट के हिसाब से रखना पड़ता है, आपको मार्केट में रहना भी है। दूसरी बात जो है ना जो सीनियर लोग होते हैं जो फैकल्टी लेवल, उसमें दो किस्म के लोग हैं, एक तो ये है देखिए उनको हम किसी की अर्निंग कैपेसिटी पे नहीं कर सकते, मतलब एक आदमी प्राइवेटली काम करे तो वो जो हम उनको पे करते हैं वो उससे 5 गुना 6 गुना ज़्यादा कमाता है, लेकिन वो कहता है नहीं मैं यहाँ आके करता हूँ, मुझे जो आप दे रहे हैं मेरा सुकून से सेटिस्फेक्शन होती है, सुकून से ज़िंदगी गुजरती है। और दूसरी चीज़ एक है कुछ वो वॉलंटियर्स आते हैं हमारे पास, एक्सपर्ट पाकिस्तानी जो अमरीका में है, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएई में, तो वो आते हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट बहुत आते हैं यूएस से, तो वो आके अपने साथ एक सूट के उसमें स्टेंट भी ले आते हैं, वो कैथेटर्स भी ले आते हैं, और वो यहाँ के जो प्लास्टिक करते हैं और कुछ नई टेक्नोलॉजी भी लेके आते हैं जो यहाँ पर ट्रांसफर भी हो रही है, लोगों को सिखाते भी हैं। तो आपने इस लेवल पे ताल्लुक आते हैं ग्लोबली पूरा बनाया हुआ है हमारा, हम यूएस में भी रजिस्टर्ड हैं एज ए चैरिटी, यूके में भी रजिस्टर्ड हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी रजिस्टर हो गए हैं, यूएई में होने वाले हैं। तो इससे तो ये बात भी बहुत आसानी से समझ जा रही है कि आप लोगों के जिस तरह बात की जाए कि जो महाना अखराजात होते हैं वो तमाम इस तरीके से आसानी से पूरे हो जाते होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट लगाने पड़ते हैं, क्योंकि देखें हर चीज़ के पीछे फॉलोअप हर वक्त रखना पड़ता है, फॉलोअप रखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह मियां भी कहते हैं मेहनत करोगे तो मिलेगा, मतलब तवक्कुल ये नहीं है कि जी मैं घर पर बैठ जाऊँगा अल्लाह मियां भेज रहे हैं, हम यकीन तो डेफिनेटली जो भेजते हो हम भी जो कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं अल्लाह मियां, ये रास्ता आज अल्लाह मियां ने ही कोई रास्ता बनाया, हम आप बैठे हुए हैं काम कर रहे हैं डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन यह है कि इसके लिए मुझे आना पड़ा है, आप भी बैठ के यहाँ पर कर रहे हैं तो घर पे बैठ के नहीं हो सकता था, तो अपने एफर्ट लगाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम कहते हैं कर अल्लाह रहा है, अल्लाह ही कर रहा है, कोई शक नहीं है। डॉक्टर साहब इंडस हॉस्पिटल की तौसी जब हो रही है, आपने इसे एक्सपेंड कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे, जिसमें आपने कहा 2 साल के बाद 1000 बेड पे जो है वो आराम से आप प्रोवाइड करेंगे और तमाम सहूलतें होंगी, जिस तरह अभी आप 150 बेड्स का इंडस हॉस्पिटल में दे रहे हैं, और इसके बाद आप क्या समझते हैं कि मजीद आगे भी फिर आपको लगता है कि इससे ऐसे असरात पड़ेंगे जिससे आगे और बढ़ने का मौका मिलेगा? डेफिनेटली देखें अभी जैसे मैंने कहा हम इतने आगे जब बढ़ चुके हैं, अभी 3-4 दिन पहले ही हमने केपी की गवर्नमेंट ने हमको तकरीबन 12 एकड़ ज़मीन दे दी है पेशावर में, अब वहाँ पर भी एक शुरू हो जाएगा। तो हमारा विजन यही है कि हर सूबाई दारुल हुकूमत में जैसे कराची, पेशावर, लाहौर, क्वेटा, वहाँ पर एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हो, वो जो लिंक हो
सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल और प्राइमरी केयर हॉस्पिटल से, तो एक ऑर्गेनाइज हेल्थ केयर सिस्टम हो जाए। देखें, मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि कोई पेशावर से या इंटीरियर ऑफ पंजाब से यहाँ आ रहा है। फिर वही वाली बात कि जिस तरह फैमिलीज आती हैं उनके लिए बहुत मसला है। आप जो है ना, देखें, मुझे ये होता है कि हम फ्री इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन इस फ्री इलाज को पाने के लिए भी उसको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी कोई चीज़ बेचनी पड़ती है यहाँ पहुँचने के लिए। आप बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं और उनको अपॉइंटमेंट दिया, अपॉइंटमेंट नहीं पहुंच सके। अब आप उनसे कहें कि आप क्यों नहीं आए थे, दूसरी दफ़ा आते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो एक अपॉइंटमेंट ज़ाया हो जाता है। तो वो अब कोई कभी कभी कोई जो है ना उनको थोड़ा सा डांट भी देता है कोई डॉक्टर, तो वो सुन तो लेते हैं, फिर उसके बाद आखिर कहते हैं डॉक्टर साहब बात ये थी कि यहाँ पहुँचने में 60 रुपये लगते, मेरे पास 60 रुपये नहीं थे। इस किस्म के तो लोग आपके पास आते हैं, तो और ये रोज की कहानी, हजारों मतलब मेरे ख्याल में करोड़ों की यही कहानी है। 30% अगर पॉपुलेशन, मुश्किल हो जाता होगा ये मैनेज करना, सॉर्ट आउट करना कि आप इसको तवज्जो दें या इसको दें, ये कितना। देखें, अपना जितना हमारा बस में होता है हम अपना हिस्सा डालते रहेंगे, हम अपना करते रहेंगे। देखिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने कर सकते हैं, वो करते रहेंगे और ये कैपेसिटी बढ़ रही है। और एक और अच्छी चीज़ जो हो रही है लोगों के अंदर, बाकी लोग भी वो हमारे पास आते हैं कि हमसे सीखते हैं कि कैसे कर रहे हैं, तो हम तो हमारे दरवाजे खुले होते हैं कि जैसे आपको पेपरलेस सिस्टम चाहिए हम आपको दे देते हैं, अगर लेकिन उनका विजन यही होना चाहिए कि फ्री करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ इस आपका जो मेरे पास है इस वक्त रिसर्च में, इंडस हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर भी है IHRC। जी, क्या है ये? जी, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अगर आप शुरू से देखें डेटा नहीं होता है। 15 साल से इस मुल्क का सेंसस नहीं हुआ, हमें ये नहीं पता कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है। सही, ठीक है ना, तो हम अपनी प्लानिंग कैसे करेंगे, तो उसके तहत हम किस शहर को कितनी जरूरत, कितनी है, कितनी क्या जरूरत है। तो हमने जो है ना डे वन से पहले आप ये किया कि अपने इलाके के अराउंड हमने हमारे फील्ड वर्कर्स गए GPS कोऑर्डिनेट के साथ, हमने गूगल अर्थ पे अपनी एक लेयर बना ली। तो आपको पता है कि लांडी कोरंगी के अंदर 5 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 24 लाख लोग रहते हैं। 24 लाख बहुत बढ़िया आबादी सिर्फ लांडी कोरंगी के अंदर। ये जो है ना काफी मुल्कों से ज्यादा, मुल्क बड़े बड़े मुल्कों से कुछ मुल्क है जिनसे ज्यादा आबादी है, पॉपुलेशन इतनी नहीं है। मैं न्यूजीलैंड में एक प्रेजेंटेशन कर रहा था, तो जैसे मैंने कहा 5 किलोमीटर में जो है ना 24 मिलियन लोग रहते हैं, 2.4 मिलियन लोग रहते हैं, वो पूरा हॉल खड़ा हो गया, क्योंकि न्यूजीलैंड की पूरे मुल्क की आबादी 4.2 मिलियन है। ये तो हमारे सिर्फ 5 किलोमीटर की हम बात कर रहे थे, तो वो भी है। फिर हम रिसर्च करते हैं, फिर हमारा पब्लिक हेल्थ का प्रोग्राम है, TB कंट्रोल में हमारा बड़ा काम है, इसी तरह मलेरिया कंट्रोल में हम लोग काम कर रहे हैं, इसी तरीके से HIV के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा एक और बहुत बड़ी चीज़ जो है ना जिसके ऊपर तवज्जो होनी चाहिए, ये जो है ना डॉग बाइट के लिए, वो इतना बड़ा हमारा ज़्यादा हमारे यहाँ इंडस एमरजेंसी के अंदर रोज़ाना कोई 20 से 25 केसेस आते हैं। और किसी को अगर रेबीज, फौरी कुछ ट्रीटमेंट अगर नहीं दिया, अगर किसी को रेबीज हो गया तो वो फिर उसकी उसकी बचने के चांस जीरो है। ये तो प्रिवेंट, हम वैक्सीन लगा देते हैं और ग्लोबुलिन लगा लेते हैं, उसको बचा लेते हैं, लेकिन जब तक हमको ये स्ट्रे डॉग्स को कंट्रोल नहीं करना होगा, इसमें पब्लिक इसमें तो जो है ना, आपको इस पे भी फोकस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। देखें, वे बात ये है कि 25 को छोटी रोज के आते हैं और 24 घंटे, और इसके ऊपर काफी कॉस्ट आती है हमारी, ठीक है ना। अब बात ये है कि मुझे प्रिवेंट करना है। अच्छा, ये चीज जब बात जहन में मेरे ये आती है इस वक्त के, फिर वो एरियाज हैं कोई खास जहाँ पे इस तरह है स्ट्रीट डॉग्स का? जी, एरियाज भी निकल आते हैं, लेकिन उमूमन ये बच्चे होते हैं। कुछ तो गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग नहीं, उनके साथ मिलके करना पड़ेगा, जिसके अलावा हम अकेला कोई भी नहीं कर सकते। देखें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की है, लेकिन गवर्नमेंट, हम भी गवर्नमेंट है ना, हमको मिलजुल के करना होगा। किस एज के लोगों को डॉग बाइट्स के? ज्यादातर ओल्ड एज होते हैं और यंग बच्चे, बच्चे जो बच्चे शरारत करते हैं, और फिर वो एक स्ट्रे डॉग होता है वो फिर आ जाता है, और उमूमन ये क्लस्टर्स में आते हैं कि मतलब एक ही कुत्ता था जो कि जिसने 5, 7, 8, क्योंकि यूजली ये रैबिट डॉग होता है जो कि उसमें पागल होता है कुत्ता, और वो हमको ज़रूरी होता है, इसलिए उसकी ट्रीटमेंट करना, ये कोई भी।
और हम और लोगों ये भी एक्सपेंसिव है, आपने कहा कि ये भी एक्सपेंसिव है, इसके ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं, इस पर लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। आइडिया दें, अगर किसी को किसी कुत्ते ने काट लिया है तो उसके लिए उसका फौरी को ट्रीटमेंट है और कितना खर्चा आता है? एक इंजेक्शन मेरे ख्याल 15-16 हज़ार रुपए का आता है और कोई 13-14 इंजेक्शन लगता है। और हर इमरजेंसी में इसे प्रोवाइड भी नहीं किया जाता होगा हर हॉस्पिटल? इस वक्त 24 घंटे सिर्फ जिना अस्पताल और इंडस में होता है, बाकी पूरे कराची में कहीं नहीं होता, 24 आवर्स राउंड द क्लॉक। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि इंडस हॉस्पिटल और जिना में होता है 24 आवर, तो और कितनी देर अगर आपको डॉग बाइटिंग हुआ है उसके बाद डॉग बाइट की कितनी देर के बाद आपको फौरी उसको आ जाना चाहिए? और उसके अलावा इसमें बहुत से सिर्फ इंजेक्शन नहीं होते हैं, इसमें बड़ी लोगों को ये भी समझना चाहिए कि जहाँ एकदम अगर उसमें ट्रीटमेंट नहीं मिला और उसको वो रेबीज हो गई ना तो फिर उसके उसकी कोई इलाज नहीं है, उसको आप बचा नहीं सकते, वो 100% मॉर्टेलिटी। यानी ये इन तमाम बीमारियां जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उन सबसे ज्यादा डेंजरस है। जी बिल्कुल, उसमें और फिर इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सबसे लोगों को ये भी समझना चाहिए, लोग अजीब अजीब चीज़ें कर रहे होते हैं, जहाँ कुत्ते ने काटा उसको वॉश करना, बहुत ज़्यादा पानी से साफ करना, धोना और हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया कि 20 से 25 पेशेंट रोजाना की तादाद में आते हैं, तो यहाँ पे ये अवेयरनेस देना आप सबको बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि फौरी हमें क्या करना चाहिए। देखें, एक तो जहाँ काटा तो उसको धोएं और हॉस्पिटल पहुँचे, क्योंकि इंजेक्शन लगना ज़रूरी है प्रिवेंशन के लिए, वो जब तक नहीं लगेंगे तो फिर ये रेबीज हो जाएगा। रेबीज अगर हो गया ना तो इतनी दर्दनाक मौत होती है, आप सोच नहीं सकते, इतनी दर्दनाक मौत होती है, आदमी कहता है कि इसका अल्लाह बचाए किसी को भी। ये जो 20 से 25 पेशेंट हैं रोजाना की तादाद में, क्या आप उनको क्योर कर पाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जो सही वक्त पे आ जाए, उनको पूरी तरह ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो सही वक्त कोई मैं प्रिवेंट कर जाता है। कितने ड्यूरेशन होती है? अर्लियर द बेटर, अर्लियर द बेटर, मतलब जैसे लगे फौरन चले जाए। और उसमें हमारे पास मेरे ख्याल में मैंने बहुत ज्यादा केसेस नहीं देखे हैं, लेकिन होते हैं, और इसके ऊपर हम अपनी काम भी कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी इसके ऊपर कोई काम करें। इसमें एक एडवोकेसी ग्रुप भी बना रहे हैं ताकि इसके ऊपर काम हो, लोगों का अवेयरनेस हो, गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करे और मिलजुल के करें, क्योंकि ये बेसिकली इट इज डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के उसमें आता है। तो वो मुझे अपने बचपन का याद है कि हमारे जमाने में लोग वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को तमारा करती थी, लेकिन सिर्फ मानने का हल नहीं है, इसके ऊपर और चीजें भी हैं जिसके ऊपर काम करना होता था। और अभी रिसेंटली भी मैंने कहीं सुना था कि इस तरह है कि बकायदा जो है गवर्नमेंट के लोग आते हैं और स्ट्रीट डॉग्स को जो है बकायदा कुछ मेडिसिन वगैरह या कुछ खाने में दे दिया जाता है ताकि उनसे बचा जा सके। और लोग, मेरा ख्याल है कि वो 15,000 का इंजेक्शन लगाने से बेहतर है कि आप इतनी महंगी, शायद वो पॉइजन नहीं आता होगा जिनसे इनके फूड में मिला दो, जो करते हैं और दुनिया में ऐसे एग्जांपल्स मौजूद हैं, जिन्हें ऐसे मुल्क मौजूद हैं जिन्होंने ये चीज़ें करके वहाँ से फारिग हो गए, खत्म हो गए। अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक पोलियो खत्म नहीं कर सके। आज भी मैं खबरों में सुन रही हूं इतने तादाद के बच्चों में पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाएंगे, तो लाइक ये अभी तक खत्म नहीं, अभी नहीं खत्म हुआ। तो हमको जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी कि नहीं ये करना है, जब खत्म करना है, देखिए इंडस हॉस्पिटल हमने कहा नहीं बनाना है आज देखें आज अल्हम्दुलिल्लाह कहां तक पहुंच गया, पूरी फाइल है आपके पास, फाइल है तो और बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें सारी चीज़ जो है ना, ये आपकी विल की होती है और यकीन के साथ होता है। ख्वाब आपका बहुत बड़ा होना चाहिए। हाँ, बड़ा देखेंगे तो आप बड़े काम करेंगे ना। जब आप खुद ही ना उम्मीद होंगे तो अल्लाह ताला भी उस उम्मीद को पूरा नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है ये चीज़ खास तौर से कि आप अच्छी चीज़ सोचेंगे तो अल्लाह में अच्छा। अगर आप कहेंगे नहीं अल्लाह ये ना हो जाए तो अल्लाह में कहते, जब बंदा यही सोच रहा है फिर यही कर दिया जाए, तो बेहतर है कि अपने लिए बेहतर सोचे। जिस तरह आप एग्जाम्पल है आज इंडस हॉस्पिटल हमारे सामने, डॉक्टर साहब जो हमारी आवाम है आपका साथ दे रही है और आइंदा भी देती चली आएगी और आती, इस तरह की आवाम की कमी नहीं है हमारे यहाँ, इस जज्बे की कमी नहीं है, इंसानियत की खिदमत के जज्बे की कमी नहीं है, बस सिर्फ एक गाइडलाइन की ज़रूरत है। क्या मैसेज ऐसा है जो आप इंडस हॉस्पिटल की जानिब से देना चाहेंगे हमारे उन लोगों को जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं? देखें, वो मैसेज यही है कि देखें इसको चलाने के लिए और इसके लिए और इसको बढ़ाने के लिए उसके एक फ्यूल चाहिए, और फ्यूल वही है कि जी लोग उसके अंदर कंट्रीब्यूट करें। और मैं ये कहता हूँ कि हमसे, मेरे कहने से आपके कहने से ना करें, आके खुद देख लें, सही, अगर उनके दिल में इत्मीनान हो तो फिर उसमें करें और इस मैसेज को आगे बढ़ाएं, सही। तो जब तक, क्योंकि कौम अच्छी होगी, कौम सेहतमंद होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल तो ये हमारा मकसद है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और जो मैसेज आपने दिया, मैं समझती हूँ यही हमारे आज के ये बात होनी चाहिए, प्रोग्राम का एंड होना चाहिए कि आप जब तक आपके दिल में वो जज्बा
और वो इंसानियत के खिदमत करने का जज्बा नहीं होगा उस वक्त तक आप अपना कोई भी काम अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दे पाएंगे। इसी बात के साथ महनूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।